आज आपने जिस विषय को चुना है, हमें इसकी जरा पृष्ठभूमि समझिए। एक देश था पर्शिया, मात्र 5,000 घुसपैठिए वहां पे गए खाड़ी देशों से, और 5,000 घुसपैठियों ने वहां पे जाके अपना अड्डा जमाया, एक वहां मदरसा खोला, फिर दो मदरसा खोला, फिर तीन मदरसा खोला, और वो पर्शिया 100 साल में ईरान बन गया, 100 साल में मात्र। और इतिहास आप देखिए, दुर्योधन का ननिहाल गंधार अब कंधार बन चुका है, राजा दशरथ की ससुराल राजा भरत का ननिहाल कहके पेशावर बन चुका है, आचार्य चाणक्य जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे तक्षशिला यूनिवर्सिटी, वो रावलपिंडी बन चुका है, कुंभा काबुल बन चुका है। तो कुछ तो है, आखिर कुछ बात तो ऐसी है कि जो मजहब बहन बेटी को बराबर नहीं मानता, बेटे बेटी को बराबर नहीं मानता, महिला पुरुष को बराबर नहीं मानता, हिंदू मुसलमान को बराबर नहीं मानता, जिस मजहब में 3 तलाक, हलाला, बाल विवाह, बहुविवाह, चाची मामी से निकाह, चचेरी बहन ममेरी बहन से निकाह, ठीक है, सब कुछ चलता है, तहरुस चलता है, भगवान जाने और क्या क्या चीजें, आखिर वो मात्र 1400 साल में 58 देशों में पहुंच गया। एक दूसरा मजहब मात्र 2000 साल में 85 देशों में फैल गया। और सर्वधर्म संभाव, वसुधैव कुटुंबकम, नारी तू नारायणी, सबका साथ सबका विकास, समता समानता समरसता एकता अखंडता, ये बात करने वाला धर्म दुनिया से नहीं सिकुड़ा बल्कि भारत के 9 राज्यों से भी सिकुड़ गया। आप जानते हैं, एक मेरी अलग याचिका चल रही है कि भारत के 9 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देना पड़े। आप जरा सोचिए हम किस दयनीय स्थिति में आ चुके हैं। हम दुनिया में माइनॉरिटी नहीं हुए, हम हिंदुस्तान के 9 राज्यों में माइनॉरिटी हो गए, और वो भी हमको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिल रहा है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, भैया हमको माइनॉरिटी घोषित करो, हमको वो फायदे दो जो बाकियों को मिलता है। भारत इकलौता ऐसा देश है जहां पे मेजॉरिटी कम्युनिटी का धर्मांतरण होता है। भारत इकलौता ऐसा देश है दुनिया में जहां मेजॉरिटी कम्युनिटी समानता की मांग कर रहा है। पूरी दुनिया में जो माइनॉरिटी होती है वो कहती है हमको समान अवसर दो, वो कहती है हमको समान अधिकार दो, हमको समान संरक्षण दो, हमको बराबरी का अधिकार दो। भारत इकलौता ऐसा देश है जहां हिंदू पॉपुलेशन, हिंदू मेजॉरिटी ये कह रही है, ये कह रहा है कि हमको भैया वो सब कुछ दे दो जो आपने माइनॉरिटी को दिया। एक विषय और, आखिर 70 साल पहले पाकिस्तान में 23% हिंदू थे, अब 2% हिंदू बचे। 70 साल पहले भारत में 8% मुस्लिम थे, अब वो 18% हो गए। यानी पाकिस्तान में तो 23% से 2% यानी 21% कम हो गए। क्यों कम हो गए? क्या हिंदुओं के लड़के नपुंसक होते हैं या हिंदुओं की लड़कियां बाज होती हैं? पाकिस्तान में वो 23% से 2% हुए कैसे? बांग्लादेश में 30% से 7% 23% हुए कम कैसे? और भारत में 90% से 78% क्यों हो गए? 70 साल पहले हम 90% थे यहां पे, अब 78% हो गए। उसमें बहुत बड़ा कारण हमारी सरकारों का।